मौसम खराब होने वाला है। एक नंबर। चलो ये नॉर्मल आवाज था। हाँ। मैं होना। एक बार फिर के बहुत बढ़िया। मैं होना। एक नंबर। देखो भाई, जिसको पटा वो दिल से देखने के लिए आए, जिसको नहीं जमा वो घर पर बैठे ले। ये शाहरुख खान की नहीं, अपने लाला की आवाज है। जिसको पटा वो दिल से आए ले भाई, जिसको नहीं पटा वो घर पे बैठे ले। ले देखे टर रहने का, बाकी अपने अपने घर रहने का। एक नंबर ऐसा के बोलते। बायकॉट गैंग की अब क्या बोलना उनको। शाहरुख खान के आगे सभी फेल है। बायकॉट गैंग कुछ भी नहीं उखाड़ सकती शाहरुख खान के पिक्चर का। ये इंडिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार है। भाई पठान मूवीज तो एक नंबर थी, हमने देखे माशाल्लाह। लेकिन रुमाल देख के तो आपको समझ में आ गया होगा हम किसको देखने आए थे। जबरदस्त पिक्चर थी, एक नंबर। सस्पेंस ये है कि भैया आगे उसमें वही बहुत बड़ा सस्पेंस है। बहुत बढ़िया मूवी है माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त बनाई मूवी। इंतजार कर रहे थे, एक महीने से इंतजार कर रहे थे इसका। अच्छा, ये जो सिनेमा हॉल है नई बनी है, इसका साउंड सिस्टम वगैरह कैसा दिखा? अच्छा है, स्पेस वगैरह अच्छा है, साउंड क्वालिटी अच्छी है माशाल्लाह। आप क्या कहेंगे? ये फिल्म के बारे में बहुत चर्चा चली, लेकिन पिक्चर वाकई में पिक्चर है। ये जितनी पहले नहीं चलती थी उससे ज़्यादा अब चली गई। ये तो हो गया मूवी का, लेकिन ये जो सिनेमा हॉल में आप आए हैं, इसकी फिटिंग और इसका साउंड सिस्टम कैसा है? एकदम बढ़िया, एकदम अच्छा था, बहुत भारी, सब भारी। आप क्या बोलेंगे? सिनेमा हॉल एकदम कंफर्टेबल है सब एकदम। पठान मूवी तो एक नंबर है, शाहरुख खान के हम बहुत बड़े फैन हैं। और बहुत अच्छी लगी, साउंड भी अच्छा है, एक नंबर, सब अच्छा है, पिक्चर भी अच्छी है, सब आओ देखने के लिए। क्या कहेंगे, एकदम बढ़िया स्टोरी थी और कंटेंट भी अच्छा भारी था, साउंड बैकग्राउंड साउंड भी अच्छा था, और जो एंट्री जो रखे थे उन्होंने, जो सस्पेंस था उसके अंदर पिक्चर के अंदर, वो सस्पेंस बहुत अच्छा लगा हमें। और हमें ही नहीं, काफ़ी पूरी पब्लिक को अच्छा लगा। जो चीख पुकार की आवाज़ थी जो हर एंट्री पे, तो वो बहुत अच्छा लगा। ये मोहन नवा जो नई थिएटर बनी है, इसके बारे में क्या कहेंगे? इसका मैं जब जीरो पिक्चर लगी थी, जब से आता हूँ मैं यहाँ पे थिएटर में, पहले मैं अम्बावसरम जाता था, पर उसके बाद मेरा मन ही नहीं किया कि ये थिएटर पास में है और अच्छी थिएटर है, फौज भी है, अच्छा है, इंतज़ाम भी अच्छा है, तो मैं यहीं आता हूँ। और मेरे दोस्तों ने फ्रोजन का टिकट किए थे, पर मैं उसमें गया नहीं, मैं मेरे दोस्त के साथ आया इधर। ये दोस्त ने हमारे यहाँ का टिकट किया था, तो मैं इसके लिए इसके वजह से आया था। क्या कहेंगे आप? बहुत शाहरुख का फैन है तू? सलमान के फैन? सलमान के तो दोनों भी तो है। नहीं नहीं नहीं, तो सलमान की एंट्री को देखने के लिए आए थे हम। एंट्री को देखने, सलमान की तो एंट्री बहुत बढ़िया हुई, और बाद में जो लास्ट में एंट्री है वो भी बहुत बढ़िया है। इसके बारे में क्या कहेंगे? अंधभक्त जो मोदी जी के, वो बड़बड़ कर रहे थे, पर ये अभी तुम देख रहे हैं उनकी प्यार और मोहब्बत के लिए पब्लिसिटी कितनी हो रही है और कितनी पब्लिक आ रही है, हाउसफुल वही बता रहा है। अंधभक्तों के मुंह पे चमाटा ही है, समझना। देशभक्ति पे, देशभक्ति पे, पूरी देशभक्ति पे जो पिक्चर का जो मैसेज है, तो एक आर्मी ऑफिसर का मैसेज है, और उसने जो बताया लास्ट मोमेंट पे 2 सेकंड बचे हुए रहते, जो कुछ वायरस रहता हो तो उसको प्लेन के अंदर रहता, तो उसको लास्ट मोमेंट पे उन्होंने बंद किया सलमान शाहरुख खान। क्या नाम आपका? वो लक्की। अरे भाई, बाकी शाहरुख खान के लिए प्यार मोहब्बत के लिए भाईजान, बस देश में जो विरोध हो रहा था तो सही हो रहा था? सही नहीं, गलत हो रहा था, लेकिन पठान ने उसको सही ट्रैक पे लेके चले, बस। किंग 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 कौन है? किंग तो बस एक ही है, तो एक ही है शाहरुख खान, एसआर के। अच्छा, ये मोहन नोवा जो सिनेमा नहीं बनी, ये कैसा लगा आपको? सेटिंग, साउंड सिस्टम वगैरह कैसा? अच्छा है अभी,
अच्छा है बस इतना है कि समोसे महंगे है 10 वाले 15 में, और वो स्टिंग 30 वाली कैन वाली स्टिंग 40 वाली 30 ये 30 वाली 40 में दे रहे हो। अच्छा, वो थोड़ा सस्ता होगा ना, बस एक नंबर है। और टिकट टिकट 180 का, 180 गया भाई, कुछ नहीं बस प्यार मोहब्बत के लिए। देखने के लिए आए पठान? हाँ। क्यों देखने के लिए आए? शाहरुख खान का। अच्छा, उसमें सबसे अच्छा डायलॉग कौन सा लगा तुम्हारे को, जो मार्केट में चल रहा है डायलॉग? अपनी कुर्सी की बेटी बांध, टाइम मौसम बिगड़ने वाला है। अच्छा बोलना, बोलो ना तो डायलॉग अच्छा लगता है वही है भाई ने जो रिपीट कर बताना पड़ेगा। अपनी कुर्सी की बेटी बांध ले, मौसम बिगड़ने वाला है, जो भी है छाने वाला है। शाहरुख खान के फिल्म में कौन सा डायलॉग अच्छा लगता है? अभी अभी के पठान में देखे नहीं, अभी देखे बाद मालूम पड़ेगा। किसी पेटी बांध दो ऐसा कुछ खाना हो? ओ, मालूम नहीं आज। अच्छा, तुम फिल्म देखने नहीं आए क्या? अभी देखने आए। देखने आए? अच्छा, क्यों देखने आए तुम फिल्म? शाहरुख का शौक है ना भाई, शाहरुख खान है उसमें तो फिर बात खत्म हो जाती है। जवाब देना है तुम्हारे को, धीरे धीरे को जवाब नहीं देना है, सिर्फ शाहरुख खान को देखना है। दीपिका के वास्ते आया? किसके किसके? शाहरुख खान और दीपिका। सलमान खान भी है? हाँ, सलमान नहीं ओनली शाहरुख। नहीं, सलमान के लिए, सलमान के लिए। अपनी कुर्सी की बेटी थाम लो। लेकिन ये तुमको एक सरप्राइज मिल रहा है कि पठान सिर्फ एक नहीं है, दो दो पठान है उसमें? नहीं नहीं, पठान ओनली पठान। तो दो पठान है ना, सलमान खान भी है शाहरुख खान भी है, तो एक टिकट में दो जनों का फायदा हो रहा है। हाँ तो उन दोनों अपनी शाहरुख ओनली एसआर के फैन। नहीं नहीं, ओनली एसआर के फैन। अच्छा, तुम क्या? अच्छा, उसमें एक डायलॉग है आखिरी में, फिल्म एंड होने के बाद एक डायलॉग रहता कि अब अपुन छोड़ देंगे, मतलब 30 साल से जो है तो अपुन हीरो बने हुए, अब छोड़ देंगे, तो उनकी जगह पे कौन तुम्हारे को लगता है कि अब दोनों अगर रिटायर हो गए इंडस्ट्री से तो कौन सा हीरो उनकी जगह ले सकता? आमिर खान। आमिर खान ले सकता शाहरुख खान की जगह? आमिर खान। और सलमान खान की जगह? सलमान खान की जगह अजय, कोई नहीं ले सकता सलमान की जगह, कोई नहीं ले सकता। तुम क्या बोलेंगे भाई? क्या बोल, क्या कहेंगे? जो पठान मूवीज है देखी अभी? देखने के लिए आए क्या? देख लिया? नहीं, देखने को आए पहले बार। क्या खास बात है आपको देखने के लिए? मालूम नहीं, भाई ने बोले चलो देखी। शाहरुख खान के कट्टर फैन है इसलिए। शाहरुख खान के सबसे बड़े फैन? सबसे बड़े फैन है। अच्छा, तो फिर एक शाहरुख की मूवी का एक जो पठान में जो डायलॉग है अच्छा सा बताओ। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और पठान मूवी का? पठान पठान जिंदा है बस अभी तो बाकी जिंदा है, वो तो टाइगर जिंदा का बोल रहे हैं आपको। नहीं, इसमें पठान में भी है ना, वो जिंदा है बोल के लास्ट में। अपने कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। अच्छा, और जो विवाद में जो चल रहा था ये फिल्म, इसके बारे में क्या कहें? विवाद बायकॉट गैंग की, अब क्या बोल रहा हूँ उनको, शाहरुख खान के आगे सभी फेल है, बायकॉट गैंग कुछ भी नहीं उखाड़ सकती शाहरुख खान के पिक्चर का। ये इंडिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार है, और आज मालूम हो गया क्या, बायकॉट गैंग कुछ भी नहीं है एसआरके के सामने। मतलब बायकॉट गैंग फेल हो गई और फिल्म हिट हो गई, ऐसा लगता है? हिट हो गई, हाँ, एसआरके ने पिना दिया उनको। घर वाले भी ना मेरे समझते नहीं है कभी कभी, उसे स्टार नहीं है, दुनिया है मेरी। शाहरुख खान के बहुत बड़े फैन हैं, एंजॉय करने आए। शाहरुख खान के मूवी का एक डायलॉग जो फेमस, फेमस डायलॉग तो अपना यही अभी, कुर्सी की पेटी बांध लो मौसम बिगड़ने वाला है। आप क्या कहें? वही कुर्सी की पेटी बांध लो मौसम बिगड़ने वाला है। जो विवाद चल रहा था शाहरुख खान की मूवी को लेकर, उसके बारे में क्या है? अब वो देखने के बाद बता सकते हो। आप क्या कहेंगे? वो बायकॉट गए उनको मालूम पड़ेगा होगा, आप हमने टी शर्ट जब डाले तो उनको मालूम पड़ेगा होगा क्या है क्या नहीं है। फिर एसआरके के हम हर पिक्चर नहीं जोड़ते, कौन से भी नहीं जोड़ते। अच्छा, इंडिया में हाउसफुल का रिकॉर्ड भी हो चुका है इस मूवी के वजह से, तो हो गया हो गया हो गया, किंग खान है भाई। ओके, आप क्या कहेंगे बड़े भाई? एसआरके हम बहुत बड़े फैन हैं,
और वो सबको तो मालूम होगा कि एसआर के कितनी बड़ी किंग है, कितना बड़ा खान है। और आपको ये भी मालूम होगा इसमें दो पठान है, दो पठान जी, एक नंबर पठान मूवी हमने देखी नहीं अभी सर, नहीं तो देखने के बाद बताएंगे क्यों देखने के लिए। क्या सर एसआर के फैन है ना सर, ऐसा कैसे नहीं देखेंगे? शाहरुख खान के फैन है। चलो एक डायलॉग जो फेमस है शाहरुख खान का, अभी तो मूवी देखी नहीं सर, लेकिन एक ही डायलॉग तुमको मालूम, एक ही डायलॉग चल रहा है अभी, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो मौसम बिगड़ने वाला है। अच्छा पठान को अगर बुलाएंगे तो पठान जरूर आएगा, पठान जरूर आएगा, पटाखे भी लाएंगे, पटाखे भी लाएगा, तुमने पटाखे लाएगा, हमने सीधा पठान को लेके आए, ये पठान हमारे दौलताबाद के सरपंच। एक बार वो जो मैंने जो बोला वही डायलॉग, एक बार पठान को अगर बुलाएंगे, पठान को अगर बुलाएंगे तो पठान पटाखों के साथ आए, पटाखे लेके आएंगे, ये हमारे बोलेंगे, ये हमारे डायलॉग। 5 साल के बाद भाई की फिल्म आ रही है तो शाहरुख के जैसा आवाज निकालो थोड़ा सा। 5 साल के बाद भाई की फिल्म आ रही है, इसके बहुत एक्साइटमेंट है, तो भाई की फिल्म देखने के लिए आया है पठान, और उसमें अब दो भाई एक साथ है, सलमान भाई भी उसके अंदर है, तो और ज्यादा मजा आएंगे फिल्म में। अच्छा यहाँ पे दो तीन पाँच और एक छह जने, हाँ। अब मैं सबको एक एक पूछूंगा, आपको शाहरुख खान की आवाज में बोला, एक डायलॉग शाहरुख खान की आवाज में कि जैसा भी आप निकाल सकते, शाहरुख खान का आवाज में बोले तो बोला बोला जो भी है, पठान जिंदा है, पठान जिंदा। अच्छा वो तो टाइगर जिंदा है यार, हाँ। शाहरुख की आवाज में कोई भी बोल सकते, कोई भी डायलॉग है सर, हम सोचते ना। अच्छा चलो यहाँ से स्टार्ट, चलो। मेरे दुश्मन समझ रहे से मैं कभी लौट करने आऊंगा, एक गुमनानी का समंदर है फिर लौट आऊंगा, मैं हुड ऑन। वेरी गुड। अच्छा मैं मेरे ऑडियंस को बोल दूं कि आपको जो जिसका आवाज शाहरुख खान से मिलता जुलता लगा तो प्लीज कमेंट जरूर करिए। हाँ तो आप शाहरुख की आवाज में अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, शाहरुख की आवाज में तो नॉर्मल। हाँ अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। ओके चलो ये नॉर्मल आवाज था। हाँ मैं हूँ ना, एक बार फिर से बहुत बढ़िया, मैं हूँ ना, एक नंबर। देखो भाई जिसको पटा वो दिल से देखने के लिए आए, जिसको नहीं जमा वो घर पर बैठे ले। ये शाहरुख खान की नहीं, अपने लाला की आवाज है। जिसको पटा वो दिल से आए ले भाई, जिसको नहीं पटा वो घर पे बैठे ले देखे टर रहने का, बाकी अपने अपने घर रहने का। एक नंबर एसआर के बोलते।